हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। फूड ट्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लेमन चिकन की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चिकन लिया है, जिसके मैंने बोनलेस चिकन लिया है, ये मैंने ब्रेस्ट और थाई क्या, आप चाहे तो बोन वाले चिकन भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर दिए हैं, आप भी ऐसे इसके स्मॉल पीसेस कर लीजिए। और एक लेमन लिया है मैंने यहाँ पे, और हम सारे पीसेस को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे और थोड़ा सा मैरिनेशन करने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पे हमने लेमन डाला हुआ है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे एक हम मिक्सर जार लेंगे, जहाँ पे मैंने थोड़ा सा अदरक, 3 से 4 लहसुन की कलियाँ, 2 से 3 हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया लिया हुआ है, और हल्का सा पानी मिला लेंगे। और इसे हमने ग्राइंड कर दिया है, ये देखिए इसका पेस्ट बन के तैयार हो गया है। और अब हमने इसमें यहाँ पे 3 टेबलस्पून कर्ड लिया है, यानी दही, और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। देखिए, और अब हम इसे सारा चिकन में डाल देंगे और इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए रख देंगे। और यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, जिसमें मैंने यहाँ पे बटर लिया है 2 टीस्पून, ये मेल्ट हो गया है। आप चाहे तो थोड़ा सा ऑयल भी ले सकते हैं, जिससे आपका बटर ये बिल्कुल भी जलेगा नहीं। और यहाँ पे मैंने तेज पत्ता लिया हुआ है, इसे आप तोड़ के डाल दीजिए। अब यहाँ पे जो हमने चिकन रखा था, वो हम सारा मिक्सचर इसमें डाल देंगे। और इसमें एक एक बॉईल आने देंगे। देखिए, बॉईल आ गया अच्छे से, और हमने इसे 10 मिनट तक पका लिया था। तब तक हम थोड़ा सा काली मिर्च को हमें दरदरा सा पीस लेना है। बोनलेस चिकन है तो हमारा ये जल्दी पक भी जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। और हमने काली मिर्च का पाउडर इसमें डाल दिया, और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट पका लिया हमने और इसे, तो चेक करते हैं। देखिए, ऑलमोस्ट बन गया है, क्योंकि बोनलेस चिकन है तो इसे हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, हमने मैरिनेट भी किया था इसे। अब यहाँ पे हमने फ्रेश क्रीम ली है, आप दूध की ताजा मलाई भी ले सकते हैं, 2 टीस्पून डाली है मैंने, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने हरा धनिया डाल दिया है, थोड़ा सा चीज़। देखिए, हमारा लेमन चिकन बनके एकदम रेडी है। तो देखा ना कितनी झटपट बन के तैयार हो गई ये रेसिपी। आप इसे स्नैक्स में खा सकते हैं, आप इसे रोटी के साथ भी, पराठे के साथ भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।